बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली निकाली गई। जनाक्रोश रैली भटवाड़ी विकास खंड से चढ़ेथी तहसील तक निकाली गई। पूर्व विधायक विजयपाल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से जन समस्याओं को लेकर स्थानीय जन समर्थन के साथ जनाक्रोश परिवर्तन रैली निकाली, जिसमें टकनोर से लेकर नाल्ड कठुर और बाड़ाहाट और बाड़ागट्टी भटवाड़ी क्षेत्र की लंबित जन समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया गया। इस दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण को भरपूर समर्थन मिलता दिखा। वहीं माना जा रहा है कि भटवाड़ी क्षेत्र में उनसे जुड़ने का यहां जबरदस्त उत्साह देखा। वहीं निश्चित ही कांग्रेस गंगोत्री में मजबूती के साथ वापसी करेगी। उनके सानिध्य में आज क्षेत्र के लगभग 100 से ज्यादा लोग बीजेपी और दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। यहाँ की शिक्षा संस्था शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन कहाँ तक धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ते हुए किसानों के जो कर्ज की माफी का मामला को लेकर हम जनता के बीच में आए। आज इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा यहाँ पर न कोई पार्किंग की व्यवस्था करवाई गई, न यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करवाई गई, न यहाँ पर जो हमारी लोहारी नागपाला जो हमारी जो महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना थी, आज उसको जो इन्होंने गडकरी जी ने वहाँ पर कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, हम इस विद्युत योजनाओं को खुलवाएंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज भटवाड़ी के इस तहसील की क्या दुर्दशा हो गई। तहसील यहाँ पर तहसील भवन नहीं है, मिनी विकास भवन की हमने घोषणा करी, मिनी विकास भवन यहाँ पर नहीं बनाया गया। केंद्र के द्वारा कांग्रेस की ये 2022 के लिए जो है पहला प्रदर्शन है और आज सैकड़ों की संख्या में महिला, नौजवान, भूतपूर्व सैनिक और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो है कई लोग जो है कांग्रेस में आए हैं और ये निश्चित हो गया है कि 2022 में गंगोत्री विधानसभा से विजयपाल सजवाण का जीत सुनिश्चित है और आज के बाद ऐसे जो है पूरी विधानसभा में अनेक कार्यक्रम होंगे और जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर समस्त कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेस जन लोग कांग्रेस की नीति के बारे में, विकास के बारे में लोगों को जागरूक करें।